हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल पीपल। तो मैं आज अपना डे टू शुरू कर रही हूँ, मतलब 21 डेज सीरीज जो मैंने मिनी व्लॉग का लाने का स्टार्ट किया है उसका आज डे टू है। तो मैं देखती हूँ मैं आज अपना वॉकिंग टारगेट कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि हालत पूरे पैर की तो बैंड बज चुकी थी। मतलब क्या होता है, मशीन है ना हमारा बॉडी, तो काफ़ी टाइम से इतना ज़्यादा वॉक और मतलब एक्सरसाइज वगैरह छूट गया था तो हाथ और पैर दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने कल थोड़ा बहुत किया और आज मन नहीं कर रहा था। बट अगर आज छोड़ देती तो फिर कल मन नहीं करता, तो इसलिए अभी पेन में भी मैं जा रही हूँ। देखती हूँ बस आज का टारगेट कंप्लीट हो जाए और आज का अपना फुल डे का आप लोगों को रूटीन दिखाऊंगी, मतलब आप लोगों के साथ मैं फुल डे का रूटीन शेयर करूंगी, मैंने क्या क्या खाया क्या क्या पिया है, और फिर चलते हैं अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। पर गाइज टारगेट कंप्लीट करके मैं आ चुकी हूँ। तो गाइज मैंने अपना आज का टारगेट पूरा कर लिया है, वॉकिंग टारगेट जो है 6000 स्टेप्स का। और जिन लोगों को भी मेरे साथ में थोड़ा बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब शुरू करना है और अपना वेट थोड़ा सा लूज करना है तो वो लोग अपने मोबाइल में एक एक ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे, स्टेप्स एट गो, पीडोमीटर या फिर स्टेप काउंटर। इससे क्या होता है ना कि आपको वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में एक टारगेट सेट किया जाता है कि आपको इतने स्टेप्स रोज चलने हैं और एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने तो ये ऐप डाउनलोड कर लिया और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग भी जल्दी से इसको डाउनलोड कीजिए और अपना टारगेट सेट कीजिए कि आप लोगों को कितना चलना है। तो आज का मैं धीरे धीरे आगे का रूटीन आप लोगों के साथ में फॉलो करूंगी। जा रही हूँ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने क्योंकि उसके बिना तो बिल्कुल वॉकिंग से सिर्फ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या करती हूँ और मैं आप लोगों को आज का अपना रूटीन दिखाऊंगी। मुझे अब थोड़ा सा मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ये सब लगाना है और नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करते करते फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाकी लोगों को मैंने नाश्ता करा दिया है, नहाने से पहले उन लोगों का नाश्ता वास्ता बना दिया था। उन लोगों के करने के बाद मैं यहाँ पर सारे काम निपटा करके नहावा कर अब जा रही हूँ जल्दी से। खुद भी भूख जोरों की लग चुकी है। हेडवाश तो मुझे कल करना है, मैंने आज किया नहीं है। तो गाइज मैंने अपना नाश्ता ले लिया और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी प्लेट में मैंने क्या क्या लिया है। कार्ब्स, मैंने कार्ब्स के लिए यहाँ पर रोटी लिया है, सब्जी मैंने वही लिया है जो मैंने ब्रेकफास्ट में सबके लिए बनाया था, मतलब ये पेक्ची की सब्जी है तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं लिया है अमाउंट में क्योंकि मैं इसका पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ, इसमें ऑयल थोड़ा सा होता है ना ज़्यादा इसलिए। और मैंने प्रोटीन्स के लिए यहाँ पर देखिए सैलेड में क्या लिया है, चना और मूंग, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जो हर एक कोई अफोर्ड कर सकता है, नॉर्मल घरों में भी ये सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं नॉर्मल लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग मुझसे देख करके मोटिवेट हो सकते हैं कि ऐसा भी खा करके अपना वेट कम किया जा सकता है। एक बात और गाइस, मतलब नाश्ता हमारा सबसे हेवी होना चाहिए, ये आयुर्वेदा में भी कहा गया है और फैक्ट भी है कि नाश्ता अपना सबसे हेवी होना चाहिए, उसके बाद आप लाइट लेते रहें और डिनर सबसे लाइट। तो मैंने वही फॉलो किया है, मैं नाश्ता थोड़ा सा हेवी कर रही हूँ, दो रोटी है, सब्जी है और ये प्रोटीन्स के लिए जो सैलेड है थोड़ा सा हैवी है, बट इसके बाद मैं इसको कंट्रोल करूंगी। डाइटिंग को लोग गलत समझ लेते हैं कि मैं भूखे रह के अपना वेट कम कर लूंगी, तो नहीं, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होगा। सर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, तरह तरह की बीमारियां और आएंगी, इसलिए बस पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, कुछ टेक्निक्स फॉलो करके मतलब वेट कम कर सकते हैं। इसलिए मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग भी नहीं कर रही हूँ और मैं बिल्कुल खा पी के अपना वेट कम करना चाह रही हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, बस होता है नहीं होता वो तो आगे देखते हैं। तो नाश्ता महाराजा की तरह गाइस, नाश्ता किए हुए मुझे अप्रॉक्स 1.5 घंटे हो गए, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक एप्पल, आप लोग कोशिश करें कि एक दिन में एक फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट जरूर लें, मतलब बनाना, एप्पल, गुआवा, फ्रूट जो आपको अच्छा लगे। मुझे अभी सर्दी इसलिए मैं बनाना नहीं ले रही हूँ, मुझे एप्पल नहीं पसंद है, तो मैं इसके जगह पर बनाना ले सकती हूँ। तो गाइज मैं थोड़ा देर सो गई थी, उसके बाद मैं उठी हूँ, तो मैं बस अपना लंच लेने वाली।
तो अपने लिए मैंने लंच में बनाया है ओट्स। ये बिल्कुल प्लेन ओट्स है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं नाश्ता तो महाराजा की तरह करूंगी, मतलब बिल्कुल हैवी करूंगी, और उसके बाद धीरे धीरे करके स्किप करूंगी मतलब हैवीनेस को। गाइज मैं अराउंड 4 PM पर यहाँ पर ले रही हूँ ग्रीन टी और मखाने, और ये बिल्कुल हैवी नहीं होता है, आप लोग बिना गिल्ट के इसको ले सकते हैं। तो गाइज मैं थोड़ा सा इवनिंग वॉक के लिए चली गई थी, उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ मॉर्निंग वॉक की तरह, मतलब ग्रीन टी वगैरह पीने के बाद मैंने सोचा कि 1000-2000 स्टेप्स भी चल लेती हूँ, तो फिर मैं गई थी और अभी आ गई हूँ। अब थोड़ा जा रही हूँ शाम का दीपक वगैरह जलाने के लिए, भगवान जी की पूजा करनी है ना। गाइस अभी शाम हो गया है, मेरा वॉकिंग हो गया, पूजा वूजा हो गया, थोड़ा सा नाश्ता पानी भी हो गया है, और हम लोग अभी जा रहे हैं शनि बाजार, मतलब हमारे घर के जस्ट बाहर, मतलब फ्लैट के जस्ट रोड पे ही लगता है। तो देखते हैं कि क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं दिवाली के लिए, और मैंने कुछ चेंज वेंज नहीं किया है क्योंकि घर के सामने ही तो जाना है, तो इतना क्या चेंज करना, और फटाफट से हम लोग निकलते हैं। मार्केट से तो आ चुकी हूँ और मैं इस ब्लॉग को कल अपलोड करूंगी, मतलब कल ये ब्लॉग पब्लिक हो जाएगा। आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना और मेरी कोशिश को, थोड़ा सा एफर्ट को मेरे देखना, और आप लोगों को अच्छा लगे तो ब्लॉग को जरूर लाइक करना। और हाँ, इस वीडियो में मैं डिनर में क्या खा रही हूँ वो मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी खा लिया था और उसके बाद मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया था। तो हालांकि दिन की शुरुआत बहुत हेल्दी वे में हुई थी और एंडिंग हेल्दी नहीं हुई, मुझे कुछ ऐसा खाना पड़ा जिसका, मतलब मैंने खा लिया आलू के पराठे एक, बस इस वजह से अनहेल्दी थोड़ा सा हो गया। पर फिर से कोशिश करेंगे, कल एक नई शुरुआत करेंगे कि कल देखते हैं क्या होता है, वेट में चेंज होता है या नहीं होता है। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि वेट घटे ना घटे लेकिन बढ़े नहीं, मतलब स्टेबल तो रह जाए, तो बस यही देखते हैं। तो आज के लिए इस ब्लॉग में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखिएगा और सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली, और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में।